हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन एक्सप्लोर फिजिक्स। सो जैसा कि आपको मोहित सर ने ऑलरेडी बता दिया होगा, आईआईटी जैम 2024, जेस्ट एंड टीएफआर 2024 के लिए हम एक क्वेश्चन सीरीज़ लेके आए हैं, ठीक है, जिसमें ऑलरेडी मोहित सर ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस आपको करवा रहे होंगे और अभी हम स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के भी साथ में, ठीक है। इसमें होगा क्या, इसको हमने नाम भी ऐसा ही दिया है, आईआईटी जैम कॉन्सेप्ट कैप्सूल्स। मींस ये एक छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे जिनके जब आप सॉल्यूशंस आप देखोगे तो उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस होंगे डेली आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, जो भी क्वेश्चंस होंगे वो टेलीग्राम ग्रुप पे दिए जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे रखा है। तो जो भी स्टूडेंट फ्यूचर में जैम का एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, या जेस्ट का एग्ज़ाम या टीएफआर का एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं, तो उनके लिए ये सीरीज़ बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, ठीक है। बिल्कुल छोटे छोटे कॉन्सेप्ट निकल के आएंगे क्वेश्चन से जो कि आगे आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अब CSIR नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ हमने IIT जैम के बैच भी स्टार्ट कर दिए हैं, और इसका जो नया बैच है ऑलरेडी बैच चल रहा है, और जो न्यू बैच है 10 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में विद मिनिमम फीस। ऑनलाइन फीस हमारा है 16,500 और ऑफलाइन फीस हमारा है 21,500 मिनिमम फीस के साथ कर रहे हैं, ठीक है। बाकी ये यूट्यूब पे तुम्हारे पास में क्वेश्चंस जो है ना, छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको फ्री में अवेलेबल रहेंगे, डेली आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, सॉल्यूशन जो मिलेगा आपको वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और अपने जितने भी साथी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी साथी फ्रेंड्स हैं तुम्हारे, जूनियर्स है सीनियर्स है, सबको एक बार शेयर कर दीजिएगा जो कि जैम के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए थर्मोडायनेमिक्स से हम स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है आज का, देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर होगा, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से कि आपको क्वेश्चन बोल रहा है, देखो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, हम आपको ये भी बताएंगे कि क्वेश्चंस का अप्रोच किस तरह से किया जाता है, ठीक है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नए क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम में। अब नए क्वेश्चंस का अप्रोच कैसे करेंगे तो वो आपको आना चाहिए। चलिए तो एक बार के लिए मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, देख लो एक बार क्या है। एन आइडियल गैस इज इन इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर टी, एक्सपेंड आइसोथर्मली। वहाँ पकड़ लो वर्ड्स को आप, देखो अप्रोच करने का तरीका यही है, आपको क्या गिवन है वो लिखिए आप, ठीक है। आपको बोल रहे हैं ना, देखो ये आपको क्या बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है आइसोथर्मली, इसका मतलब टेम्परेचर तुम्हारे पास कांस्टेंट है, ठीक है ना। टू ट्वाइस इट्स इनिशियल वॉल्यूम, इसका मतलब पहले वॉल्यूम V1 है तो बाद में वॉल्यूम कितना हो गया, 2V1 हो गया, ओके। इफ डेल्टा एस डेल्टा यू डेल्टा एफ डिनोट द चेंज इन इट्स एंट्रोपी इंटरनल एनर्जी एंड हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी रेस्पेक्टिवली, देन कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये आपसे पूछा हुआ है। तो आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, ठीक है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, इसको साइड में ले जाता हूं एक बार। ठीक है, देखिए इतना सफिशिएंट है, यस दिख रहा है क्वेश्चन सबको। वैसे तो मैंने बता दिया है, फिर भी आप एक बार देख लेना क्वेश्चन, ठीक है। देखिए आपके पास क्या है क्वेश्चन, मैं दोबारा बोल रहा हूं, यस हाँ जी। देखिए आपको क्या गिवन है, एक तो आपको गिवन है यहाँ पे कि टेम्परेचर आपके पास में कांस्टेंट दे रखा है, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। दूसरा आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है इनिशियल वॉल्यूम का तुम्हारे पास डबल हो जाता है वॉल्यूम, 2V1 हो जाता है, ठीक है। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए आगे क्या बोला हुआ है तुम्हारे पास, देखो। अच्छा तुम्हें एक तो निकालना है डेल्टा एस, ठीक है, तो चेंज इन एंट्रोपी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, ये बता रखा है मैंने ड्यूरिंग क्लास, रिवीजन भी करवा रखा है, याद भी करवा रखा है, क्या होता है बताओ, एन आर एल एन वी टू अपॉन वी वन, ठीक है। जब यहाँ पे वैल्यू रखोगे आप एन आर एल एन, ठीक है, और वी टू कितना है तुम्हारे पास, 2V1, और वी वन ऐसे कैसे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो तुम्हारे पास हो जाएगा एन आर एल एन टू, ये लीजिएगा। अब एल एन टू तुम्हारे पास में ग्रेटर देन जीरो होता है, एन आर दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो सीधी सी बात है डेल्टा एस क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो आपके पास में आएगा। इसका मतलब ये हुआ डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो, देखो किस किस ऑप्शन के अंदर आपके पास है डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो, ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, बी ओ डी आपके पास एक करेक्ट आंसर होगा।
तो जस्ट एक वैल्यू निकालने के बाद आप ऑप्शन जरूर चेक करें, हो सकता है सब कुछ आपको निकालने की जरूरत ही ना पड़े। जैसे देखो नेक्स्ट आपसे बोला हुआ है इसके अंदर आप निकालिए डेल्टा यू, डेल्टा यू इतनी बार बताया है मैंने आपको, तीन तरह की गैस पढ़ाई होगी ठीक है, आइडियल गैस, रियल गैस, फोटोन गैस, आपको क्वेश्चन में साफ साफ बोला हुआ है आइडियल गैस ठीक है। और जूल्स लॉ सबको पता होगा आइडियल गैस के लिए क्या होता है, जो इंटरनल एनर्जी है वो ओनली टेम्परेचर का फंक्शन है। अच्छा टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है तो यू भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो उसका डिफरेंशिएशन आपके पास में कितना होगा भाई, जीरो होगा। तो दोनों ऑप्शंस में से देखो जीरो तुम्हारे पास किसके अंदर आ रहा है, देखो इधर इसमें डेल्टा यू बराबर जीरो है, इसमें ग्रेटर देन जीरो है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तीसरा आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है एग्जाम पर्पज से, यहाँ हम ये भी निकालेंगे तीसरा तुम्हारे पास कैसे होगा, ये भी निकालेंगे। अब देखो तीसरा तुम्हारे पास क्या पूछा हुआ है, तुम्हारे पास पूछा हुआ है डेल्टा एफ। तो जिसने मेरी क्लासेस ली है उन सबको पता होगा कि जो डेल्टा एफ होता है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वो कितना होता है तुम्हारे पास में, माइनस ऑफ डेल्टा डब्ल्यू ठीक है। अब देखो वर्क डन तुम्हारे पास कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा क्योंकि गैस एक्सपेंड हो रही है, तो सीधी सी बात है ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव है तो सीधी सी बात है तुम्हारे पास नेगेटिव आ जाएगा, मतलब लेस देन तुम्हारे पास जीरो आ जाएगा। देखो लेस देन जीरो तुम्हारे पास मिल रहा है ठीक है। आप चाहो तो इसको भी प्रूफ कर सकते हो कि ये डेल्टा एफ बराबर माइनस डेल्टा डब्ल्यू कैसे हुआ। देखो इसका मैंने तरीका बता रखा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये होता है गुड फिजिसिस्ट हैव स्टडीड अंडर वेरी गुड, एक सेकेंड को जस्ट वन सेकेंड, यहां से स्टार्ट होता है गुड फिजिसिस्ट हैव स्टडीड अंडर वेरी फाइन टीचर ठीक है। यहां नेगेटिव होता है, यहां नेगेटिव होता है, मैंने बहुत अच्छे से लिखने का बता रखा है आपको। डेल्टा एफ, डी एफ को आप कैसे लिखोगे, डी एफ को आप लिखेंगे इसके साथ में, यहां पे इधर वी है तो यहां पे लिख दो आप डी वी, इसके इधर टी है यहां पे लिख दो आप टी डी टी, यहाँ पे S लगा दो T के साथ, B के साथ P लगा दो और दोनों कैसे आएंगे नेगेटिव। और भी बहुत तरीके हैं लेकिन मैंने ट्रिक क्लास में यही बता रखी है। आपके साथ पास क्या बोला हुआ है, टेम्परेचर आपके पास कांस्टेंट है तो DT तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ क्या हो गया तुम्हारे पास, माइनस PdV, PdV क्या होता है तुम्हारे पास में वर्क डन होता है, तो देखो तुम्हारे पास आ गया है ना DF इक्वल टू माइनस DW ठीक है, दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि स्टूडेंट जनरली डेल्टा एस निकाल देते हैं, डेल्टा यू निकाल देते हैं लेकिन डेल्टा एफ नहीं निकालना आता है ठीक है। तो ये इस तरह से निकाले जाते हैं, और भी आपको अच्छे से क्वेश्चंस मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी स्टूडेंट जैम को टारगेट कर रहे हैं, जैम 2024 को, चाहे वो BSc फर्स्ट ईयर का हो, सेकेंड ईयर का हो, फाइनल ईयर का हो, वो सब स्टूडेंट अगर इंटरेस्टेड हैं तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखे हैं, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं चाहें तो। क्लासेस 10 जुलाई से आपका नया बैच स्टार्ट हो रहा है ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन आपको ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पे मिल गया होगा, आप चेक कीजिएगा ठीक है। थैंक यू वेरी मच, जय श्री श्याम।